नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण जो उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न नहीं करेगा वह सप्तन की ओर फिसलेगा, वह स्वाभाविक क्रम है। इस संसार में मनुष्य जीवन की दो ही गतियां है, उत्थान अथवा पतना, तीसरी कोई भी माध्यमिकता गति नहीं है। मनुष्य उन्नति की ओर न बढ़ेगा तो समय उसे पतन के गर्त में गिरा देगा। हम अपने आप को प्यार करें ताकि ईश्वर से प्यार करते सकते योग्य बन सके। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि ईश्वर के निकट बैठ सकने के पात्रता प्राप्त कर सके। जिससे अपने अंतकरण को प्यार से ओतप्रोत कर लिया, जिसके चिंता और कर्तव्य में प्यार बिखरा पड़ता है, ईश्वर का प्यार उसी को मिलेगा। केवल राम नाम लेने से आध्यात्मिक उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। इस भ्रांत धारणा को मन में से हटा देना चाहिए। इतना सस्ता आत्मकल्याण का मार्ग नहीं हो सकता। पूजा उचित और आवश्यक है, पर उसकी सफलता एवं सार्थकता तभी संभव है जब जीवन क्रम भी उत्कृष्ट स्तर पर हो। अन्यथा तोता रतन किसी का कुछ हित साधन नहीं कर सकती। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आत्मचिंतन के क्षण। गुणों का चिंतन न करे, केवल अवगुणों पर ही दृष्टिपात करे तो अपना प्रत्यक्ष प्रियजन भी उनको बुराई और दोषों में ही ग्रस्त दिखाई देगा। अंत स्नेह आत्मीयता सौजन्यता तथा प्रेम पूर्व व्यवहार में कमी आएगी, जिससे जीवन में सुखों का अभाव हो जाएगा। अपने बच्चों के छोटे मोटे दोष भूल जाने की पिता की दृष्टि ही सच्ची होती है। माँ यदि बेटा की गलतियां ढूंढा करे तो उसे दंड देने की फुर्सत न मिले। अवगुणों को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखना उचित है। खोए हुए डॉलर फिर कमाए जा सकती है, भूली हुई विद्या फिर याद की जा सकती है, खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सक द्वारा लौटा जा सकता है, पर खोया हुआ समय किसी के प्रकार लौट नहीं सकता। उसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। वाह, यह कहना उचित नहीं है कि इस कलयुग में सज्जन घाटे और दुर्जन लाभ में रहते हैं। सनातन नियम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्य और तथ्य देश काल पात्र का अंतर के बिना सदा सुस्थिर और अक्षुण ही रहते हैं। सन्मार्ग पर चलने वाले की सदगति और कुमार्ग पर चलने वाले की दुर्गति होने की सच्चाई में कभी कभी किसी प्रकार का अंतर नहीं आ सकता। कलयुग सतयुग की कोई बाधा इस सत्य को जुटा नहीं सकती। अपनी बातों को ठीक मानने का अर्थ तो यही होता है कि दूसरे सब झूठ है, गलत है। इस प्रकार को अहंकार अज्ञान का द्योतक है। इस असहिष्णुता के द्रोणा और विरोध बढ़ता है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति तभी संभव है तब हम अपनी भूलों त्रुटियों और कमियों को निष्पक्ष भाव से देखें। इस अपने विश्वासों का निरीक्षण और परीक्षण भी करना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।